अपने स्वर और स्वर के प्रकार और अनुनासिक कौन सा है और व्यंजन कौन सा है इसके बारे में आपने जान लिया है। अभी जो है आगे व्यंजन, व्यंजन में क से लेकर ञ तक आता है, ठीक है, वो पहली बार हम कर लें। को खो गो घो चो चो जो जो तो ठो डो ढो तो थो दो दो धो नौ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र ञ, ये हो गए व्यंजन। क से लेकर ञ तक हो गए व्यंजन। अभी जो है ये पांच अक्षरों का एक गठन, तो इसको हम क्या कहते हैं, क का वर्ग कहते हैं। इसमें जो अक्षर है पांच के, तो इसे हम क्या कहते हैं, क वर्ग कहते हैं। और इसे हम क वर्ग कहते हैं और इसे कंठ से बोला जाता है, इसे कंठ से बोला जाता है। से उच्चारण होता है, ठीक है। इसके बाद जो है च वर्ग, च वर्ग जो है च वर्ग जो है वो है तालु, तालु से उच्चारण किया जाता है। तालु यानी कि च छ, ये जो है यहाँ पे ऊपर लगता है, ज झ ञ, ये जो है ये जो ऊपर यहाँ पे दांत के अंदर के ऊपर तरफ लगता है, ठीक है। अभी जो है ट वर्ग, ट वर्ग जो है ये गुर्दा, ट ठ ड ढ न,
यानी कि ये जो जीप की जो आगे की पॉइंट जो होती है ये ऊपर एकदम तालू के ऊपर लगती है। ट ठ ड ठ न ठीक है। अभी जो है त बल त थ द ध न त त द ध न ये जो त बल वर्ग जो है दांत से ये देखिए जीभ जो है दांत को जाकर लगती है त थ द थ न। दांत से उच्चारण पोस्ट। अभी ये जो है पांच प फ ब ब म ये प वर्ग है ठीक है। प वर्ग ये ओस्ट ओस्ट यानी कि होट प फ ब भ म ये जो है ओस्ट से होता है। ओस्ट यानी कि होट से उच्चारण होता है ठीक है। अभी जो है य र ल ब जो है ये य र ल व ये जो है तालु बोस ठीक है। अभी श स ह ये जो है उष्म व्यंजन यानी कि हम उच्चारण करते हैं श स ह ऐसे हम उच्चारण करते हैं ठीक है। जो मुंह से हवा बाहर निकलती है जब उच्चारण करते वक्त मुंह से हवा बाहर निकलते है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं ठीक है। उसी तरीके से क्षत्रज्ञ क्षत्रज्ञ जो है ये तीनों संयुक्ताक्षर है ये तीनों संयुक्ताक्षर है। जैसे कि उदाहरण के लिए अभी कन्नड़ में लिखते हैं त्र त्र यानी कि यहाँ पे दो अक्षर मिलाकर एक अक्षर बनता है त्र लेकिन यहाँ पे मात्रा दी गई है। अभी यहाँ पे एक ही अक्षर दिखेगा आपको जैसे कि त्र कन्नड़ में लिखना हो तो ये त्र और ये र इत्र दोनों अक्षर मिलाकर एक अक्षर बनता है इसे हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। अक्षर व्यंजन ठीक है। अभी हो गया क का वर्ग है कंठ से उच्चारण होता है और च का वर्ग जो है वो तालु से उच्चारण होता है और ट का वर्ग जो है मुर्दा से उच्चारण होता है और त का वर्ग दांत से उच्चारण होता है और जो क का वर्ग है वो भी ओस्ट ओस्ट यानी कि आपके होठ होठों से उच्चारण होता है। और ये जो है य र ल व ये दांत तालु और ओठ से उच्चारण होता है और ऊष्म व्यंजन जो है आप बोल
बोलते वक्त आपके मुंह से बाहर हवा निकलती है, जैसे कि श स ह, उसी तरीके से क्ष त्र ज्ञ, ये जो अक्षर है ये तीनों संयुक्त अक्षर है, यानी कि दो अक्षरों को मिलाकर एक अक्षर बनाना है। अभी आपको क्या करना है, इसी तरीके से अपने होमवर्क बुक में एक बार देखकर लिखना है, उसके बाद आपको ठीक सही अक्षरों में अपने क्लासवर्क में भी इसी को उतारना है, ठीक है।